एसडीएम बनी मिस्टर सतीश शर्मा ने बरमोटा विलेज में वाटर टैंक का इनॉग्रेशन करते हुए एमजीएम स्पोर्ट्स क्लब की सराहना की, जिस कदर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों ने भी एसडीएम सर का वार्म वेलकम किया। मैं तमाम हजरात का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ और अर्ज करता हूँ कि दुआगो रहें कि हमारे भाई साहब जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं उनके लिए ये बाईस निजात बाईस स्वाब बने। पहली मांग रखी है कि वाइडनिंग ऑफ रोड नियर ये जो हाई स्कूल में जहां से हम इंटर हो रहे हैं ये सामने जो है इसको थोड़ा सा वाइडनिंग के लिए पीछे ये जगह तंग है सड़क प्रसार बच्चों को आने जाने में यहां पीछे ब्रश वाल लगनी चाहिए और इसको वाइडनिंग तरीके से जितना भी इसका जायज़ बनता है 30 फुट के हिसाब से वो बराबर इसको करें सर। फेंसिंग ऑफ स्कूल प्रमिसेस के लिए फंड्स अवेलेबल किए जाए ताकि इस तमाम स्कूल के अहातों को फेंसिंग किया जा सके। मोहता स्कूल में कुछ पोस्टें वैकेंट है सर, मास्टर ग्रेड में 2 पोस्टें वैकेंट है, 1 लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंट है और प्रोस्ट क्लास की 1 प्रोस्ट वैकेंट है। इनके फिलअप करने के लिए जनाब कोशिश की जाए। मुझे उम्मीद है कि जनाब का खत अगर आप हायर अथॉरिटी को लिखेंगे ज़रूर अमल होगा। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, मैं तो तहदिल से मशहूर हूँ कि आपने एसडीएम साहब ने बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान आए हैं। एसडीएम साहब का सबसे ज़्यादा मशहूर और ममनून हूँ। अर्ज़ यह है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये ढुकी छिपी बात तो है, क्योंकि जो करप्शन का पैसा हमारा बाहर जाता है काम, करप्शन हमारे इलाके वही पैसा हमने बचाया, हमने एनजीओ हम किसी को पैसे देते नहीं है, ना हम खुद खाते हैं, हम अपनी तरफ से राशन पानी सेवा जितनी कर सकते हैं असगरे खुद अपनी जेब से करते हैं, लेकिन हम यहाँ से पैसा बचाते हैं। 1.5 लाख रुपए में ये 3 कमरे 4 3 कमरे 1 बरामदा और 1 बाथरूम बना दिया हमने। उसके बाद सर हमारे इस क्लब ने आज तक सर मेडिकल के कैंप जो 21 कैंप किए लगभग, एनिमल हस्बेंड्री के कैंप सर हमने 5 कैंप बड़े अच्छे कैंप किए, जिसमें सर्थल भी हमने किए, दूसरे इलाकों में भी किए। उसके बाद आई कैंप सर हमने 4 बनी में किए सर, हमने 2 हमने मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलकर किए, 3 तो 4 किए इन्होंने सर, 2 किए NHPC वालों के साथ मिलके और 5 किए डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ये मेडिकल डिपार्टमेंट सर। इसके बाद सर हमने एड कंट्रोल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ हमने काम किया सर, उसमें हमने 30 कैंप किए पूरे ओवर हाल बनी बुला के सर, मंदिरेरा से लेके खड्डी बिल्कुल बसोली में था, हमें पता ही नहीं था, हमने खड्डी समझा बनी है, बाद में लगा पता है बसोली में, कोई बात नहीं एनजीओ का तो बहुत लंबा दायरा होता है, तो सर 30 कैंप हमने वो किए। और हमने चनार के पेड़ यहाँ हमने कश्मीर के तर्ज बनाने के हमने ख्वाब रखा है और तकरीबन मैंने 200 पेड़ बनी में लगाए हैं चनार के, जितने भी पेड़ लगे हैं चनार में सर वो मेरे लगे हुए हैं, तकरीबन मेरे हमारे इस क्लब के ही लगे हुए हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे हाई सेकेंडरीज में हो, पार्क में हो सर, सर्कल में हमने सर कम्प्लेक्स में बनाए हैं, मंदिर में लगाए हैं, मस्जिद में लगाए हैं, NHPC के सर इस तरह का हमारा रहा। उसके बाद सर हमने रेड क्रॉस में सर हमारी डोनेशन गई है, फायर विक्टिम्स में गई है, कोरोना में गई है, कर्गिल विक्टिम्स में गई है, हमारे लगभग सर हमारे 2.5 लाख के करीब सर हमने डोनेशन भी दी है गवर्नमेंट को, चाहे DC के फंड में गई हो, चाहे गवर्नमेंट के फंड में गई हो सर, ये कुछ छोटी मोटी हमारी अचीवमेंट थी। तो जनाब का मैं ज्यादा साहब से भी बात हुई है, हमारे हफीज साहब से, उन्होंने बोले डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो हम फाइल भेजेगा, हमारी कोशिश है कि मेरी आपको स्कूल खुल जाए। इसी तरह से सर मैं फिर आपसे मशहूर हूँ, शुक्रिया सर। जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके लिए कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स रहती हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयमेंट रोजगार से रिलेटेड हैं, चाहे किसी वेटरनरी से रिलेटेड हैं, चाहे पोल्ट्री से रिलेटेड हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं जो रोज़गार मुहैया करवाते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं बनी में आए हुए हैं DC साहब की हिदायत के मुताबिक, तो वो रोज़गार जो आज वीडियो ऑफिस में हमने आयोजित किया गया है
वहाँ पे जितने भी बनी के जूथ हैं उनको अवेयर किया जाएगा। अब अगर वो सहमत होते हैं किसी भी स्कीम में जाने के लिए तो उनको रोज़गार मुहैया करवाने के लिए आगे जो भी प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके उनको रोज़गार मुहैया करवाया जाएगा। तो उसके तहत अलग अलग कैंप ऑर्गेनाइज करके ये गवर्नमेंट का बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनका गवर्नमेंट की तरफ से सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और इन्होंने तफसील से बताया कि ये हेल्थ से रिलेटेड कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, चाहे वो आंखों का हो चाहे वो लिप्स का हो। पठानकोट में हॉस्पिटल है, उनसे उनके साथ टाई अप है। इनका हमारे BMO साहब से जो हेल्थ की स्कीम्स रहती है, इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी ये बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। हमने सब पे नज़र रखी हुई है, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं हम उसको पूरा नोट करते हैं। और जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हौसला अफजाई की ज़रूरत पड़ती है वो हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे।